मोदी ने किया मोदी का काम आसान। अमेठी और रायबरेली में होगा तगड़ा घमासान। माया के दाव से राहुल प्रियंका हुए परेशान, क्या इसलिए सोनिया गांधी ने छोड़ा मैदान? उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी भले ही आज सत्ता में नहीं हो, लेकिन उसका भौकाल आज भी यूपी में बरकरार है, क्योंकि मायावती का दलित वोट बैंक आज भी उनके साथ मजबूती के साथ डटा हुआ है। और ये बात विपक्षी पार्टियां भी अच्छी तरह से जानती है। और शायद यही वजह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहाँ खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव बीएसपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, तो वहीं साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस भी मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मायावती ने कांग्रेस को साफ मना कर दिया था, और जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी ने चुनाव के बाद किया था। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया, कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। कांग्रेसी राहुल गांधी के इसी बयान से समझ सकते हैं कि यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी क्या अहमियत रखती है। यूपी चुनाव में कांग्रेस को दुत्कारने वाली यही बीएसपी अब एक बार फिर लगता है कि कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है, और इसलिए मायावती ने सबसे पहले तो मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार किया, और अब यूपी की 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। बात यही खत्म नहीं होती। जिस अमेठी और रायबरेली सीट को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, मायावती ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी के यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है, बीएसपी यूपी की सभी 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। अमेठी और रायबरेली में पहले भी बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी उतारेगी। यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के इस बयान से साफ है कि मायावती इस बार अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार को बख्शने के मूड में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इस बार कांग्रेस की हालत और खस्ता हो सकती है, क्योंकि बीएसपी के उम्मीदवार उतारने की वजह से वोट बट जाएंगे, और वोटों के बटने का मतलब है कि सीधे भाजपा को फायदा, क्योंकि 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले थे, बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले थे। इस दो तरफा लड़ाई में वैसे तो सोनिया गांधी 2 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत गई थी, क्योंकि बीएसपी ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बीएसपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2014 में जब मायावती ने रायबरेली से उम्मीदवार उतारा था तो उस वक्त बीएसपी उम्मीदवार को 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। तो वहीं अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो 19 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने इस सीट से भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। तो इस दो तरफा मुकाबले में स्मृति ईरानी को फायदा हुआ था, और राहुल गांधी को अमेठी से पहली बार चुनाव हारना पड़ गया था। वो तो भला हो कि उन्होंने केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से उनकी सांसदी बची रह गई। लेकिन इस बार भी अगर राहुल गांधी
अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो बीएसपी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ उन्हें बीएसपी से भी टक्कर लेनी होगी और इस त्रिकोणीय लड़ाई में राहुल गांधी के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ 5 साल तक बतौर सांसद काम करने वाली स्मृति ईरानी रहेंगी और दूसरी तरफ हारे हुए राहुल गांधी, यानी एक तो राहुल गांधी का वोट बैंक पहले से ही खिसका रहेगा, ऊपर से रही सही कसर बीएसपी पूरी कर सकती है और इसलिए मायावती के दांव के बाद अमेठी में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी से ना तो अमेठी से किसी उम्मीदवार का ऐलान किया है और ना ही रायबरेली से, लेकिन ये माना जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका तो भाई अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, अमेठी और रायबरेली में बीएसपी के उम्मीदवार उतारने से किसे फायदा होगा, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।